दोस्तों, यदि आप एक ब्लॉगर हैं तो फोकस कीवर्ड के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगी, लेकिन बहुत से यूज़र ऐसे हैं जो फोकस कीवर्ड सही से यूज नहीं करते। उनका आर्टिकल रैंक नहीं हो पाता, उनके अच्छे व्यू नहीं आते। तो आज के इस वीडियो में हम फोकस कीवर्ड का सही यूज करना बताएंगे ब्लॉग पोस्ट के अंदर। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप आर्टिकल लिखें तो फोकस कीवर्ड को आपको कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए जिससे आपका आर्टिकल एक सीओ फ्रेंडली बने। सबसे पहले हम एक पोस्ट को यहाँ पर ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा आर्टिकल पीडीएफ सबमिशन क्या है, एंड ये आर्टिकल गूगल पे हमारे किस पेज पर रैंक कर रहा है ये भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, एंड यहाँ पर ये बताएंगे दोस्तों कि इसका जो फोकस कीवर्ड हमने क्या बनाया है और हमने कहाँ कहाँ उपयोग किया है, जिससे आप भी इस तरह ही फोकस कीवर्ड यूज करें जिससे आपको एसईओ में बेनिफिट मिले। एंड यहाँ पर दोस्तों, ये आर्टिकल है पीडीएफ सबमिशन से रिलेटेड, एंड यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, फोकस कीवर्ड हमने बनाया पीडीएफ फाइल सबमिशन क्या है। दोस्तों, अगर आप फोकस कीवर्ड बनाते हैं उसके बाद आपको कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये सबसे पहले आपको टाइटल बार से शुरू करना होगा। आपका फोकस कीवर्ड सबसे पहले टाइटल बार में आना चाहिए। तो देखिए, हमने फोकस कीवर्ड था हमारा पीडीएफ फाइल सबमिशन क्या है, तो हमने यहाँ टाइटल बार में यूज किया है। एंड सेकंड आपको यूज करना है यूआरएल में। अगर दोस्तों आप हिंदी में लिख रहे हैं यूआरएल, तो आप ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फोकस कीवर्ड को इसके अंदर। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप टाइप कर देंगे पीडीएफ सबमिशन क्या है इस तरह से। अब हिंदी इंग्लिश यूआरएल आप जो भी कुछ बनाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आपको किस तरह आपको पसंद है, ठीक है। तो आपका फोकस कीवर्ड टाइटल के साथ साथ यूआरएल में भी होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपकी सीओ के लिए बेनिफिट देता है, एंड आपके आर्टिकल को रैंक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। एंड यहाँ पर फोकस कीवर्ड आपके फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने हैं सीओ के अंतर्गत पीडीएफ फाइल सबमिशन क्या है। एंड यहाँ पर आपके फर्स्ट पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड ही आपके आर्टिकल को इस गूगल में, या कह सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही प्रेजेंट करता है कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल से आप बस समझिए। तो हमने देखिए पैराग्राफ में लिया है, आर्टिकल टाइटल में हो गया, यूआरएल में हो गया, एंड पैराग्राफ में, तीन जगह हो गए। एंड आप बीच में भी एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेजेस में यूज करने के बाद फोकस कीवर्ड दोस्तों, एंड यहाँ पर ऑल टैग में भी यूज करना है, यानी कि इमेजेस में। जैसे आप इमेजेस जहाँ से अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड आपको यहाँ भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज करना है, एंड यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा इमेज डाल लें, जैसे कि मल्टीपल दो या चार इमेज डाल लें, तो ज़्यादा आपको फोकस कीवर्ड यूज नहीं करना। फोकस कीवर्ड एक से दो इमेज में करना है, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, ठीक। एंड नीचे आना है, एंड फोकस कीवर्ड आपको टैग में भी यूज करना है, ठीक। एंड टैग में यूज करने के बाद नीचे आएंगे, एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको फोकस कीवर्ड का यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पर इतनी जगह आपको फोकस कीवर्ड करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, आपको फोकस कीवर्ड टाइटल में यूज करना है, फोकस कीवर्ड यहाँ पर यूआरएल में यूज करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करना है, एंड यहाँ पर इमेजेस में यूज करना है, एंड टैग में यूज करना है, एंड डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, ठीक। एंड यहाँ पर तो आपको यूज करने करना है, ठीक है। तो इतने जगह आपको फोकस कीवर्ड यूज करना है। अगर आप इस तरह से फोकस कीवर्ड को सही ऑप्टिमाइज करते हैं तो फोकस कीवर्ड ही आपके आर्टिकल को रैंक करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, ठीक। तो आपको फोकस कीवर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही से यूज करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, फोकस कीवर्ड आप यूज करें तो आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर फोकस कीवर्ड डेंसिटी, अभी मैंने 5 टाइम बस यूज किया है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं और SEO प्लगइन यूज कर रहे हैं, वहाँ पर ग्रीन सॉरी ऑरेंज या रेड हो जाता है, तो फोकस कीवर्ड आपको वहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ तो मैंने ऑप्टिमाइज किया, अगर यहाँ से हम फोकस कीवर्ड सपोज दैट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो
तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोकस कीवर्ड ज़्यादा यूज करेंगे तो ग्रीन सॉरी रेड या ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी का एक सिग्नल आ जाएगा। तो फोकस कीवर्ड को आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर ज़्यादा आप यूज करते हैं फोकस कीवर्ड तो ये आपके पोस्ट को रैंक की जगह डाउन भी कर सकता है, इसकी रैंकिंग को। अगर ऑप्टिमाइज अगर आप ढंग से नहीं करते तो फोकस कीवर्ड आपके ब्लॉग पोस्ट को भी जो टॉप में रैंक कर रहा है उसको नीचे भी उतार सकता है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी ये पोस्ट कितना रैंक कर रही है। मैं यहाँ पर फोकस कीवर्ड को बहुत ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं PDF सबमिशन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ PDF सबमिशन हिंदी। ठीक है, क्या भी नहीं लिख रहा, मैं हिंदी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट आ रही है हिंदी में online.com, नीचे आते हैं PDF फाइल सबमिशन क्या है। देखिए सेकंड नंबर पे हमारी ये वेबसाइट आ रही है, सॉरी ब्लॉग आ रहा है ना। एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PDF सबमिशन क्या है, एंड यहाँ पर इंटर करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पे ये वेबसाइट आ रही है एंड सेकंड नंबर पे हमारी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मल्टी कीवर्ड पे भी हमारी दो नंबर या तीन नंबर पे ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। तो फोकस कीवर्ड आपको सही ऑप्टिमाइज करना है, सही से यूज करना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।